हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और मैं हूं आपकी अनीता, और स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। और आज हम बनाने जा रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे, ये हमने एक कटोरी सूजी ली है जो 200 ग्राम है। आप सूजी मोटी या पतली दोनों तरह की ले सकते हैं। और हम सूजी के आज पकौड़े बनाने वाले हैं। तो चलिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, तो सबसे पहले हमने 200 ग्राम के आसपास सूजी ले ली है। और अभी हम ले रहे हैं एक मिक्सिंग बॉल, और उसमें हम सूजी डालेंगे। ये हमने इसमें सूजी डाल दी है, और अभी हम सूजी में ऐड करने वाले हैं 2 छोटे चम्मच दही। दही खट्टा नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास दही नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, बिना दही के भी बना सकते हैं। दही डालने से जो पकौड़े हैं हमारे, वो बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी बनने वाले हैं। तो इसके साथ ही मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ, ये देखिए, चावल का आटा। आप इसकी जगह मैदा या बेसन भी यूज कर सकते हैं। तो ये लीजिए, हमने चावल का आटा मिक्स किया इसमें। आप की चॉइस है, आपके घर में जो भी अवेलेबल है आप यूज कर सकते हैं। और चावल का आटा डालने के बाद में मैं इसमें डालूंगी एक बड़ा प्याज। मैंने मीडियम साइज का कट कर लिया है। आप जो भी जिस भी तरह की शेप देना चाहें इसमें दे सकते हैं प्याज में, ये देखिए। बाद में मैंने लिया है ये कच्चा आलू है, जिसको मैंने कद्दूकस कर लिया है। और कद्दूकस करके मैंने 2 से 4 बार इसको पानी में वॉश किया है। वॉश करने का बेनिफिट ये है कि जो इसमें एक्स्ट्रा स्टार्च होता है वो धोने से निकल जाता है। और आलू को कद्दूकस करने से जो हमारे पकौड़े बनने वाले हैं बहुत टेस्टी टेस्टी यम्मी बनने वाले हैं, और क्रिस्पी बनने वाले हैं, और सभी को पसंद आने वाले हैं। तो चलिए, इसमें मैं एक बड़ी साइज का आलू कद्दूकस किया हुआ है, वो मैं इसमें डालती हूँ, आप देख पा रहे होंगे। और मैंने यहाँ पर 4-5 कलियाँ लहसुन की और छोटा टुकड़ा अदरक का लिया है, उसको मैंने कद्दूकस किया है। और तो आप भी इसी तरह से कर ले। और अगर आपके घर में बड़े और बच्चों को पसंद नहीं है तो जो अदरक का टुकड़ा और लहसुन की कलियाँ, आप उसको स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन यकीन मानिए, अदरक से और लहसुन से इतने टेस्टी अलग ही बन जाता है इनका, और काफ़ी यम्मी टेस्टी टेस्टी लगते हैं। और थोड़ा सा इसमें हम हरा धनिया मिक्स करने वाले हैं, ये लीजिएगा। और अभी इसमें हम ऐड कर रहे हैं मसाले। सबसे पहले मसालों में हम ऐड करने वाले हैं वो 1/2 छोटी चम्मच जीरा, थोड़ा सा गरम मसाला चुटकी भर। अगर आपको टेस्ट अच्छा आता है गरम मसाला का तो ही यूज करें, वरना इसको स्किप कर दें। और गरम मसाले का टेस्ट पकौड़ों में कुछ यूनिक ही होता है, अलग ही टेस्ट बनाता है, तो इसलिए इसको स्किप करने के बजाय आप इसमें ज़रूर ऐड करें। और थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालेंगे हम यहाँ पर, कलर के लिए बहुत अच्छा कलर आता है हल्दी से, और ये हमारे सेहत के लिए भी अच्छी होती है। और यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं कूटी हुई लाल मिर्च। तो आप कम ज़्यादा, आपके घर में जैसे बच्चे या बड़े लोगों को कम ज़्यादा पसंद है उसी के अकॉर्डिंग यूज करें, ये लीजिए। और लास्ट में यूज कर रहे हैं हम नमक, ये भी आप अपने स्वाद के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। अभी हमने सारे मसाले इसमें ऐड कर लिए हैं, और अभी इसको हम मिक्स करेंगे। सारे मसालों को हमें अच्छे से मिक्स करना है। इसी तरह से, तो ये देखिए, हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। और अभी मिक्स ही हुआ है, काफ़ी ठीक लग रहा है हमें। तो इसमें अभी हम ऐड करने वाले हैं पानी, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करना है, एक साथ नहीं डालना, हमें इतना इतना मिक्स करना है। एक साथ डालने से ज़्यादा हो जाता पानी, और हमें आइडिया भी नहीं रहता कितना क्या डालना है। तो इसमें देखिए थोड़ा और डलेगा, तो अभी मैं इसमें थोड़ा और ऐड कर देती हूँ, ये लीजिए। और अब मैं इसको फिर से मिक्स करती हूँ अच्छे से, ये देखिए पक्का।
तो ये लीजिए पकौड़ों का बैटर हमारा बिल्कुल अच्छे से मिक्स करके हमने तैयार कर लिया। ऐसा ही बैटर चाहिए और इसमें सूजी ऐड की है हमने, तो इसलिए अभी हम इसको 15 मिनट का रेस्ट देंगे। और जब तक इसको हम रेस्ट देंगे, चलिए हम तड़का तैयार कर लेते हैं। और अगर आप तड़का देना है, इसमें आपको पसंद नहीं है, बिना तड़के के ही खाना पसंद है, तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन यकीन मानिए, जब भी आप तड़का देकर पकोड़े बनाएंगे, इतने टेस्टी और बिल्कुल मार्केट जैसे वाले पकोड़े बनेंगे। तो चलिए हम तैयारी करते हैं हमारे तड़के के लिए, और इसको 15 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ते हैं। तो ये लिए हम ढक के रख देंगे 15 मिनट के लिए इसको रेस्ट के लिए। तो सबसे पहले हम गैस ऑन करेंगे तड़का लगाना हमें, और इस पर रखेंगे हम एक पैन, और पैन में डालेंगे हम थोड़ा सा ऑयल। तो ये लीजिएगा, ऑयल ऐड कर दिया हमने। मैं अपनी कुकिंग में सरसों का ऑयल ही यूज करती हूँ। आप चाहें तो मूंगफली का या किसी और ब्रांड का भी ऑयल यूज कर सकते हैं। मुझे सबसे बेस्ट सरसों का ऑयल अच्छा लगता है। आप चाहें तो इसकी जगह जो चाहें ऑयल यूज कर सकते हैं। तो ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, और हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देते हैं, और इसमें डालते हैं हम थोड़ी सी हींग, और हींग के साथ ही हम डालेंगे आधी छोटी चम्मच राई, जिसको तड़कने देते हैं। ये देखिएगा, और इसी के साथ हम यूज कर रहे हैं करी लेस। अगर आपके पास करी लेस नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो, पर जहाँ तक हो सके करी लेस यूज करें, क्योंकि इसमें बहुत अच्छा टेस्ट बनता है, बहुत अच्छी खुशबू आती है, और सेहत के लिए भी काफ़ी अच्छा है। तो ये देखिएगा, और ये देखिए 15 मिनट हमारे बैटर को तैयार किए हुए हो गए हमें। और एक्चुअली इसमें हमने सूजी डाली थी, तो वो फूल कर भी तैयार हो गई। सूजी को थोड़ा सा टाइम लगता है, इसको हमें रेस्ट देना ही पड़ता है। चाहे किसी भी डिश में हम कोई भी किसी भी तरह की रेसिपी यूज कर रहे हो, हमें इसको रेस्ट देना पड़ता है। तो ये हमने उसको रेस्ट दे दिया है, और अभी जो हमने हमारा तड़का तैयार किया है वो इसमें डालते हैं। तो ये देखिए, हमारा तड़का बिल्कुल तैयार हो चुका, और अभी ठंडा भी हो गया। तो मैं इस जो हमने पकौड़ियों के लिए सूजी का बैटर तैयार किया है, उसमें मैंने इसको ऐड कर दिया। और ये देखिए, हमने हमारा जो तड़का तैयार किया था वो इसमें डाल दिया, और अभी हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। आप अपनी किचन में एक बार प्लीज़ इस तरह से तड़का डालकर सूजी के पकौड़े बनाइए, आप यकीन नहीं करेंगे आपके घर वालों को, सभी को, जो भी कभी मेहमान आ जाए उनको अचानक से मैं बनाकर देना पड़े, सभी को अच्छे टेस्टी लगेंगे और सभी इसको लाइक करेंगे। और आपको मैं बता दूँ, अगर आपको हमारी रेसिपी थोड़ी बहुत भी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट, और हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये देखिए, अभी हमारा बैटर बिल्कुल जिस तरह का हमें चाहिए पकौड़ों के लिए तड़का डालने के बाद में बिल्कुल तैयार है। इससे पकौड़े तड़का डालने से कुरकुरे और टेस्टी और क्रंची टाइप बनेंगे, बहुत टेस्टी लगने वाले हैं। तो चलिए अभी हम इनको फ्राई करने के लिए पैन में ऑयल डालते हैं। तो पकौड़े फ्राई करने के लिए सबसे पहले हम गैस ऑन करेंगे, और इस पर हम एक रखने वाले हैं कढ़ाई ही, और कढ़ाई में हम ऑयल डालेंगे। और जैसा कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, तो हम ऐड करने वाले हैं इसमें, जैसा मैंने अभी बताया आपको, ये मैं अपनी रेसिपियों में सरसों का ऑयल यूज करती हूँ, और सभी डिशेज में अच्छी बनती है। तो चलिए, फ्राई करने के लिए हम सरसों का ऑयल यूज कर रहे हैं, और अभी इसको गर्म होने देते हैं 2 से 3 मिनट, हाई फ्लेम और स्लो फ्लेम पे हम करेंगे इसको। तो अभी हम देखते ट्राई करते हैं कि क्या हमारा ऑयल गर्म हो चुका है। इसके लिए हम थोड़ा सा इसमें बैटर डालेंगे। तो ये देखिएगा, बिल्कुल ऑयल बन तैयार हो गया, गर्म हो गया ऑयल जो है हमारा बिल्कुल गर्म हो चुका है। और अभी हम तलने जा रहे हैं पकौड़ियाँ,
तो मैं इनको हाथ से ही करूंगी। जिस हिसाब से आपको बेटर चाहिए उस हिसाब से ले लें, जितनी साइज की आप पकौड़ियाँ बनानी चाहते हैं उसी साइज से ले लें। और मैंने गैस की फ्लेम को स्लो कर दिया है और इसी तरह से मैं इसी तरह से पकौड़ियाँ करती हूँ। आप चाहें तो स्पून से भी पकौड़ियों को निकाल सकते हैं और जो शेप चाहें आप दे सकते हैं इसमें से। ये देखिएगा इस तरह से, ये देखिए इस तरह से मैं पकौड़ियों को अच्छे से तल लूंगी। तो पकौड़ियाँ जो हमने डाली हैं तो आपस में चिपक जाती हैं, तो इस तरह से मैं इनको अलग कर देती हूँ। ये देखिएगा सभी को हटा दूंगी, अलग कर लेंगे हम इस तरह से। ये देखिए, और हम इनको हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक तलेंगे, फ्राई करेंगे अच्छे से। और अभी मैं इनकी साइड को चेंज कर लेती हूँ। ये देख पा रहे होंगे आप, ये देखिए आपस में थोड़ा सा हिलाते रहेंगे हम, जिससे ये जल्दी फ्राई हो जाए। और ये देखिए फाइनली हमारी पकौड़ियाँ बिल्कुल तैयार हो गई हैं और कितना गोल्डन अच्छा कलर आया इसको, तो ये देखिएगा देख पा रहे होंगे। और आवाज़ सुन पा रहे हैं आप, ये देखिए, ये देखिएगा कितनी क्रिस्पी बनी है, जिनकी आप आवाज़ अच्छे से सुन पा रहे होंगे। और ये देखिएगा इनको एक से दो सेकंड ऐसे रख लेते हैं जिससे एक्स्ट्रा ऑयल है वो जार में से निकल जाएगा। और ये लीजिए इनको निकाल लेते हैं। देख पा रहे होंगे आप कितनी क्रिस्पी टाइप बनी है हमारी पकौड़ियाँ, गर्म है इतनी। और ये देखिएगा इसी तरह से हम जो और बेटर बचा है हमारा उसकी पकौड़ियाँ हम निकालते हैं। तो चलिए जो बची हुई बेटर है हमारा उसकी भी हम पकौड़ियाँ उसी तरह से निकाल लेते हैं। आप जो भी शेप देना चाहें दे सकते हैं इसमें। इसी तरह से सारी पकौड़ियाँ को मैं निकाल लूँगी। और ये देखिए फाइनली फिर से बची हुई पकौड़ों को मैंने वापस फ्राई कर लिया है। और इस तरह से हम इनको निकाल लेंगे सभी को। देख पा रहे होंगे आप कितने कुरकुरे कुरकुरे नजर आ रहे हैं और कितना गोल्डन कलर आया इस पर। तो चलिए इनको निकालते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स फाइनली हमारे जो पकौड़े हैं बनकर बिल्कुल रेडी हैं। और ग्रीन चटनी और केचप के साथ में हम इसको ले सकते हैं। और ये देखिएगा हमारे बिल्कुल पकोड़े, और आप आवाज़ सुन पाएंगे, ये देखिए कितना क्रिस्पी बने हैं। ये देखिएगा ये देखिए ये देखिए। और अभी देखिए मैं आपको इसको अंदर ऊपर से ये कुरकुरे और क्रिची टाइप बने हैं और अंदर से इतने सॉफ्ट हैं ये देखिएगा बिल्कुल सॉफ्ट। और खाने में यकीन मानिए इतने टेस्टी और यमी हैं जितना आप देख पा रहे हैं उतना ही। तो चलिए फिर लीजिए, ये देखिएगा बहुत टेस्टी बने हैं। आप भी खाइए और
अपने परिवार को और अपने फ्रेंड्स को खिलाइए, और हमारी रेसिपी को शेयर कीजिए आपको अगर थोड़ी बहुत भी पसंद आ रही है तो। और मैं नई रेसिपी के साथ आपको फिर से मिलती हूँ, तब तक के लिए ओके बाय बाय।